रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण को लेकर रेल मंत्री आरा आने वाले हैं। अब उनका कार्यक्रम भी लगभग तय हो चुका है। रेल मंत्री आगमन को की तैयारी को लेकर रेल महाप्रबंधक ने जिलाधिकारी के साथ आरा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और अपने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिया। रेल महाप्रबंधक के आगमन पर रेलवे प्रशासन ने चकाचक रेलवे परिसर को किया था ताकि किसी प्रकार की कोई शिकायत न मिल सके और साफ सुथरा की भी विशेष व्यवस्था किया गया था। काफी देर तक रेल महाप्रबंधक ने आरा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करते नजर आए। राजीव है पीछा ही है ना, राजीव है पीछा ही है राजीव। मेरा जो ब्लॉक है क्लोरिया ब्लॉक का पता उठा लिया ये दिखाई पड़ेगा वो भी हट जाएगा वो भी हट जाएगा। दिल्ली भुवनेश्वर में भी लगाया बोल रहा है, भुवनेश्वर में भी लगाया है। दिल्ली में जैसे लगाया कोई आपको वहां पर इनको अपने सीढ़ी बोल दो चेकिंग वेकिंग करने पर आपको होता है दिल्ली वाला आश्रम को जाने वाले यात्रा में से 565 पैसेंजर गए जो सभी स्टेशनों पर रुके हुए पैसेंजर पैगी दो नंबर प्लेटफॉर्म पर अटक गए हैं। 565 पैसेंजर गाड़ी दो नंबर प्लेटफॉर्म पर अटक गए हैं। ये गाड़ी मोहन से जनता तक जाएंगे। अरे ये जाना पड़ेगा तो चल करना।
सर वेन्यू हमें लास्ट टाइम भैया सर भैया दिक्कत दूसरे पूरा यहाँ का ऑडियंस यहाँ पे अच्छा बंद कर ऑडियंस अंदर बैठ सकती है उसका जगह छोड़ना पड़ेगा आपको घूमो या पैसेंजर विकास के लिए जो प्रोग्राम बनाया है वो उन्होंने करीब 35-40 करोड़ रुपए का प्रोग्राम बनाया है। एक बार जो उन्होंने कल्पना की है वो एक रूप ले लेगा अपना तो आरा का चेहरा ही बदल जाएगा आरा स्टेशन का। और हमें प्रशासन से भी राज्य प्रशासन से भी अच्छा सहयोग मिल रहा है और यहाँ के जो आपके MP हैं वो भी इसके विकास में हर समय कार्यरत रहते हैं।
भविष्य उज्ज्वल है आरआरसी से।